वार्ड नंबर 84 गोला आदिनाथ बीजेपी से पार्षद प्रत्याशी संजय केशरी ने नामांकन पत्र भरा। वहीं डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे फोर्थ पिलर की टीम से संजय केशरी ने बताया कि क्षेत्र में सीवर, सड़क एवं पेयजल व शिक्षा की है समस्या। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्याओं को करूंगा दूर। वहीं समाज सेवी के रूप में भी वह क्षेत्र में भी कर रहे हैं कई विकास कार्य, सड़क, सीवर, पेयजल, शिक्षा एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुँचाने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव की जो तारीख है वो आ चुकी है और 4 मई को भी वाराणसी में चुनाव होने को है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार को लेकर जितने भी प्रत्याशी सब लग चुके हैं, अपने अपने जो क्षेत्र है उनमें वो जा रहे हैं, डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ पर प्रत्याशी, भारत प्रत्याशी बीजेपी से है। आइए उनसे बातचीत करते हैं पहले और जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वह इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। किया गया जी, ये अभी जानना चाहेंगे आपसे, जो कि आपके क्षेत्र में हमने कुछ लोगों से बातचीत की, लोगों का कहना है कि जाम की जो समस्या है वो ज्यादा कर दिखती है और कई सारी केंद्र सरकार की तरफ से योजनाओं का भी लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जैसे आवास योजना, विधवा पेंशन योजना भी कई लोग को लाभ नहीं मिल पाया है, तो उस पर क्या कुछ आपसे वो उम्मीद रख सकते हैं? हमने सूचीबद्ध करके लगभग 40 से 50 लोगों को आवास योजना दिलवाया है, बाकी और लोगों का जैसे क्षेत्र में जा रहे हैं तो मिल रहा है, उसको नोट किया जा रहा है कि आगे उनको उसका लाभ मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बढ़िया योजना है आवास योजना, जिन जो व्यक्ति बहुत से व्यक्तियों का उसका लाभ मिल रहा है, आयुष्मान भारत से लाभ मिल रहा है, बहुत सी योजनाएँ हैं, उसको आम जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने क्षेत्रवासियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहेंगे कि हम आपके बीच में हैं, आपके युवा साथी हैं,
एक बार सेवा का मौका दें, अधिक से अधिक पदों से विजयी बनाएं, उनको कोई शिकायत सभी शिकायतों का दूर करने का दिन रात 24 घंटा हम उनके साथ रहेंगे और रहे हैं। उनको जहाँ भी ज़रूरत रही है आप पूरे क्षेत्रवासियों से पूछेंगे तो हम हमेशा उपलब्ध रहे हैं, चाहे जिम्मेदारी रही है चाहे नहीं रही, सिर्फ बस एक ही मुद्दा है सेवा, बस सेवा करना है और जिम्मेदारी मिलने पर और बढ़ चढ़ के सेवा करना है, सभी का सहयोग मिलता है। आप देख सकते हैं अभी हमें बात करें थे संजय केसरी जी से, वार्ड नंबर 84 गोली देना नाथ से, आपको बता दें कि साफ तौर पर उनका कहना है कि समाज सेवी के रूप में वो तो कार्य कर ही रहे हैं, पर जितने के बाद भी जो भी क्षेत्र की जनता का समस्या होगा उसे जल्द से जल्द निवारण करेंगे। हमारे साथ और लोग भी क्षेत्र की जनता भी यहाँ पे मौजूद है, आइए जानते हैं क्या कुछ समस्या उन्हें रोजाना झेलनी पड़ती है और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि क्या संजय केसरी जी से उम्मीद लगाए हैं। आइए जानते हैं क्या नाम होगा आपका जी। आपसे यह जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है, बहुत सारे लोग भी दो चुके हैं, वृद्धावस्था पर इंसान जी और एक स्वास्थ्य की समस्या रहती है, तो उसमें हमारे संजय जी काफी प्रयास कर रहे हैं, बहुत लोगों को मिला भी है वृद्धावस्था। कितना कुछ उम्मीद है उनसे आपको? बड़ी उम्मीद तो हर आदमी बहुत ज़्यादा रखता है, मिलता कितना है कितना ये कर पाते हैं ये इनके ऊपर जी, तो लोग जी हमारे बीच में ये हैं, हम लोग इनका पूरा सहयोग दे रहे हैं, ये हम लोगों का साथ देंगे ऐसा जी। और भी लोग हमारे उनसे जानते हैं क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अम्बरीश केसरी है जी। जी आपसे ये जानना चाहेंगे क्या कुछ वार्ड की समस्या और साथ ही साथ संजय केसरी जी इस बार चुनाव में उतर रहे, क्या कुछ उम्मीद रख रहे हैं आप उनसे, क्या वो जिस तरह से समाज सेवी के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं, क्या जीतने के आप उनसे क्या वो जिस तरह से समाज सेवी के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं क्या जीतने के बाद भी वैसे ही करेंगे वो? मैं संजय जी को बहुत दिनों से जानता हूँ, ये संगठन के दायित्व रहते हुए भी मोहल्ले और क्षेत्र की बहुत चिंता करते रहे हैं, और जब से बनारस में मोदी जी सांसद हुए हैं काशी का चौहमुखी विकास हुआ है, काशी का हर एक कोना ऐसा है जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढूंढ ढूंढ के चमका दिया है। मोदी जी के आने के बाद काशी में विकास की नदियां बह रही हैं, और रहा अभी आपने पूछा कि जाम की समस्या, तो जाम की समस्या जब दिल्ली में आज तक ख़त्म नहीं हुआ तो ये बनारस है, और बनारस गलियों का शहर है, यहाँ जाम की समस्या कभी ख़त्म नहीं होगी, और ये सकरा सकरा रोड है यहाँ पर। अब जो नया काशी बस रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ आप देखिए 4-लेन 6-लेन रोड बन रहा है, और ये शहर का बहुत अंदर का मोहल्ला है, यहाँ पर जाम की समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती, और ये लड़का बहुत मेहनती है और हमारा इसको बहुत बहुत बधाई है, और मैं क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा कि इसको भारी मतों से विजयी बनाए। धन्यवाद। क्या नाम होगा आपका? नमस्कार, मेरा नाम मिलन केसरी है। मिलन जी ये बताइए क्या कुछ वार्ड की समस्या है, पहले ये तो बताइए। वार्ड की जैसा कि इन्होंने बताया कि जाम की समस्या थी, उसके लिए भी हमारे माननीय पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी जी ने बेनियाबाग पार्किंग और टाउन हॉल पार्किंग का निर्माण करवाया, उससे काफ़ी हद तक जाम की समस्या रुक गई है। और रही बात संजय जी की, जी जी इस बार क्या कुछ उम्मीद रख रहे हैं आप उनसे? इनकी 100% उम्मीद है कि ये जीत रहे हैं और बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि जनता इनको काफ़ी पसंद कर रही है, क्योंकि ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनके अंदर ऐसा है कि अगर आप किसी भी परिस्थिति में फंसे हों या फिर किसी भी कोई भी ज़रूरत हो, ये हमेशा खड़े रहते हैं, 24/7 ये अवेलेबल रहते हैं जनता के लिए, और इसीलिए जनता इनको अपना भाई, अपना बेटा, अपना बड़ा भाई उस रूप में देखता है। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के प्रति एकदम समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। आपका पूरा समर्थन है? बिल्कुल 100% समर्पण है। संजय भैया फिर से इस बार बहुत अच्छा संजय केसरी जी को समर्थन भी मिल रहा है यहाँ से। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाठ, वॉक फोर्थ किलर न्यूज।